थैंक यू ऑनरेबल ऑनरेबल स्पीकर बिफोर आई कमेंट्स माई बजट स्पीट विद माई कॉमेंट्स एंड ऑब्जरवेश लाइक टू रजिस्टर टू सीरियस कम्प्लेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कल एक नौजवान के पी पुलिस के हिरासत में उसके साथ जो ज्यादा हुई है उसकी जो जुलम uh, जो उसके साथ हुआ है मैं तमाम पाकिस्तान uh, की आवाम तमाम पाकिस्तान की यूथ खवातीन हम सब पार्लियामेंटेरियस के बिहार एक स्ट्रॉग प्रोटेस्ट रजिस्टर करती हूँ पुलिस प्रोटेलिटी के खिलाफ और ये क्योंकि बजट का सेशन इसमें मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी बट आ, आप इस ऐवान के तवस्त से यह बात सारे पाकिस्तान में गूंजनी चाहिए कि हम अभी जिंदा हैं ये आप हमारी यूथ के साथ नहीं कर सकते सेकेंड प्रोटेस्ट आई विल रजिस्टर ऑनरेबल स्पीकर इज़ अगेंस्ट वन ऑफ आर में अपोजिशन Yesterday, she spoke about Minister of State Zitaj Gul Sahiba and her mistakes on national television. It is absolutely fine to criticize our entire cabinet, our entire government, on our lack of performance. However, what is absolutely unacceptable for an uneducated woman parliamentarian, or educated for that matter, to say filth about a fellow female parliamentarian and then to link that filth. टू आर प्राइम मिनिस्टर बाई कॉलिंग हेम हैं हर इंसान की शक्ल अल्लाह की तख्लीक होती है आप अपनी जती राय अपने घर में रखा करें आप इस ऐवान की इज्जत की बात करती हैं तो आप अपनी इज्जत करवाएं और हम से इज्जत अपनी इज्जत करवाएं ये कोई तरीका नहीं है और हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे आप बेश पुराने पार्लियामेंटेरियन हो दस दफा आ चुकी हो किसी को या वजी अजम पे या किसी खातुन पे या किसी मेंबर पे जाती पे सिर हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसी बातें हो जाती है इस दफा इस बजट की स्पीचेस में प्राइम मिनिस्टर की जात पे अटैक किया गया है तो हम गवर्नमेंट है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये बर्दाश्त की बातें नहीं है शुक्रिया इसके बाद में बजट पे आती हूँ जनाब स्पीकर मेरी बजट स्पीच कोई मुख्तलिफ नहीं होगी बाकी मबरान से जो एक चीज मुख्तलिफ होगी वो सिर्फ ये होगी कि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपोजिशन की तकारीर की भी करूँगी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपनी हुकूमत की भी करूँगी क्योंकि अगर हम नया पाकिस्तान हैं तो हमें ये पूरा हक है कि हम अपनी भी गलतियों को एक्नॉलेज करें और उसकी तसी की कोशिश करें जनाब स्पीकर दो तीन बातें आज हुई जो हकाइक पे बबी नहीं थी और मैं उनकी ज़रा क्लारिफिकेशन करूँगी ऑनरेबल राव अजमल साहब ने ज़रात की बात की उन्होंने स्पीकर साहब की जो स्पेशल कमेटी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उस पे बजट के हवाले से बात की उन्होंने कहा कि ये कमेटी डेढ़ साल से कुछ नहीं कर रही मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि परसों ही हमने एक दिन में यानी चौबीस घंटे में इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मैंगो एक्सपोर्टर्स के जो मसाइल थे काबुल बॉर्डर पे, ताफ्तान बॉर्डर पर वम दो ने करवा दिए इसी तरह पिया ये जो हमारे मैंगो एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट को रोक रहा था उनसे मुजाक्रत करके गुलाम सरवर साहब के साथ चौबीस घंटे के अंदर हमने सोलूशन ढूंढ दिया तो गुजारिश होगी मेहमान से कि जब आप इस एवान में बैठे हों हक का ज़्यादा इस्तेमाल हो और और ये ड्रामेटिक थियाट्रिकल जो बातें होती हैं ये रिकॉर्ड होता है ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है हर किसी को पता है कि किस कमिटी में क्या हो रहा है दूसरा जो ज़रूरी बात है मैं समझती हूँ कि उन्होंने वज़ी अजम के ख़िलाफ़ बात की ऑनरेल मेंबर एस इकबाल साहब ने कि जी ये बाहर जाके पाकिस्तान की बदनामी करते हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है ये मैंने अपने पिछले बजट पिछले साल की बजट स्पीच में भी कहा था और इस साल में भी ये कहूंगी कि काश लोग अखबार पढ़ते सवाई न्यूज के और डॉन के ब्लूमबर्ग में आया था अगस्त दो 2018 में कि जी पाकिस्तान लबनान इजिप्ट ये तमाम मुल्क दिवालिया होने वाले हैं क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो उनको कुछ नहीं लगता ये हर लेवल को क्रॉस कर चुका है सो so काइंडली जब बात करते हैं इस हॉल में दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीनियर मेंबरान से इज्जतदार मेंबरान से कि आपसे तो हम सीखने के लिए आए थे और अगर आप ही गलत बात करेंगे तो आप जिस सिग्नलिंग की बात करते हैं कि जो दुनिया सिग्नलिंग पे चलती है बिजनेस कॉन्फिडेंस पे चलती है दुनिया सच पे चलती है जनाब स्पीकर अगर आपको लगता है कि आई एम दुनिया आपको नहीं देख रही तो यह आपकी गलत है आपकी फिगर्स दुनिया से के पास आपसे पहले पहुंची होती हैं ये वाद गवर्नमेंट है जिसने पाकिस्तान ब्यूरो ब्यूरोस्टिक्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग करके डेवलपमेंट को दे दिया सिर्फ इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में हिस्टोरिकली फिगर्स फज होते थे जो नंबर आपको पसंद आता था आप वो लगा देते थे सो so काइंडली जो इस हुकूमत की कोताही है उसको पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा लेकिन जो हमारी पॉजिटिविटी है जो हमने इस मुल्क में तब्दीली लाई है उसको अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते तो उसको झूठ मत कहिए जनाब स्पीकर थोड़ी सी कुछ बातें कोरोना पे क्योंकि ये कोरोना बजट है और कोरोना बजट मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को समझ आई है आज आईएमएफ की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि आपका ग्लोबल 12 खरब डॉलर 12 ट्रिलियन डॉलर्स का ग्लोबल क्रंच होगा आप उसकी सिर्फ परसेंटेज निकाल लें कि वो परसेंटेज पाकिस्तान पर कितनी अप्लाई होती है और फिर आप ये फैसला करें कि तीन महीने में जो तबाही हुई है दुनिया में वो पीटीआई टी आई लेके आइए कि वो पैंडेमिक लेके आइए वबा लेके आइए नंबर्स इधर से भी हो रहे हैं नंबर्स उधर से भी हो रहे हैं और ये मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूंगी कि जो हमारे यंग मेंबर्स ऑफ दी ऑपोजिशन जो यंग एम एन एज हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव सजेशन दिए हैं और उसका खैर मकदम करते हैं ये ज़रूरी है पुराने पाकिस्तान को ख़त्म होना होगा और यंग पाकिस्तान नया पाकिस्तान चाहे अपोजिशन में बैठा है चाहे ट्रेजरी में बेंचेज है उनकी सारी बातें वेलकम और ये मैं एक और उनको सजेशन दूंगी क्योंकि जब जमहूत लोगों को बहुत पसंद होती है तो जमहूरियत में पहला काम यह होता है कि आप शेडो काबीना बनाते हैं

या हमने बिजनेसमैन के लिए बनाया है गरीब के लिए बनाया है दिहाड़ीदार के लिए बनाया है जरात वाले की बनाया है तो काइंडली अपनी क्रिटिसिज्म उस पर रखिए और हम आपका हर स्टेज पे आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे लेकिन ये ही नहीं हो सकता कि हमारी हुकूमत पे झूठ थोपा जाए और उसका जवाब ना दें स्पीकर कोरोना से पाकिस्तान में दो किस्म के खतरे आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन से बोला कि मुझे ज्यादा फिक्र है इकोनॉमिक्स की नहीं ग्रोथ की नहीं मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि जो हमारा ऑर्डनरी पाकिस्तानी है वो क्या खाएगा और वो आप सब ने देख लिया एक तरफ जी अशराफिया एक तरफ माफिया एक तरफ पुलवामा आया एक तरफ वबा आई एक दफा अपोजिशन हमारे साथ बैठ के नहीं बैठी कि हम क्या बैठ के बात की कि हम क्या कर सकते हैं इकट्ठे जो अशराफिया हैं वो तो अपने घर में छह महीने का राशन इकट्ठा करके बैठ सकते हैं जब स्पीकर अपने हलके में मैं गई और लोगों ने हमसे एक गिला शिकवा किया कि जी आप हमें मैतों से नहीं मना कर पाए वबा वबा की दवाई तो है नहीं ना आप हमें मस्जिदों से मना कर पाए ना आप हमें शादियों से ये हमने करना ये हमारा कल्चर है हम आपकी वबा को नहीं मानते अब ये उनकी स्टेटमेंट है ये मैं नहीं बदल सकती ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है हकायक है अगर कोई आपने हल्के में जाए कराची लाहौर से बाहर निकले तो उनको पता चले कि उनके पास एक प्याली आटा भी नहीं होता था जिस तरह से इस एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से हमने लोगों को स्टावेशन से और से से बचाया ये बंदा वही ये बात कह सकता कि जी पाकिस्तान में कोई से नहीं मरा जिसने कभी गुरबत नहीं देखी जिसने कभी अफलास नहीं देखा तो काम एन ए साहबान अपने हल्के में जाएंगे तो शायद उनको पता चल जाए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और मुझ जैसी खातन जनाब स्पीकर यह मैं अपनी हुकूमत से भी गेला करूंगी कि जब हम जाके बात करते हल्के में रिजर्व एम ए तो जवाब आगे से आता हमें अंग्रेजी नहीं आती रिजर्व एम ए क्या होता है आप अपने माइनॉरिटी एम अपने रिजर्व एम उनसे आप काम लें और यह हुकूमत वक्त का काम है आप तमाम खुवान को तमाम माइनॉरिटीज़ को काम पे लगाएं और यही पैंडमिक वो वक्त है जो आप देखेंगे कि चाहे वो अपोजिशन की माइनॉरिटी हो अपोजिशन की खुतिन हो या इसकी ये इससे आप फायदा उठाएं क्योंकि आपके लोग अंग्रेजी उर्दू उनको समझ नहीं आती है वो या सिंधी पश्तो पंजाबी बलोची बोलते हैं सो काइंडली इस अहवाल से निकल के जो रियालिटी चेक है जो हमारे वजीर अजम बार बार कहते रहे हैं उस पर जाना पड़ेगा जनाब स्पीकर बहुत बात होती है इकॉनमी की और जी मीशत को तबाही पे हमने लाके खड़ा कर दिया जनाब स्पीकर अगर आप मुझे इजाजत है मैं हल्की से आपको थोड़ी सी फिगर्स बता दूं कि 2008 में कहाँ थे और 2018 में आप कहाँ थे आप ही पाकिस्तान से जितनी एक्सपोर्ट्स होती रही हैं 2008 से 18 तक वो लो टेक एक्सपोर्ट्स थी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स बना रही थी और आप हाइब्रिड पे भी नहीं गए थे 2008 में जब आपकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो एफ आ रही थी वो 3.7 परसेंट थी जीडीपी का 2018 में वो 0.7 परसेंट पे चली गई 2008 में आप ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में 110 नंबर पे थे 2018 में 125 पे आ गए 2008 में दुनिया की एक्सपोर्ट्स अठारह से लेकर साउथ एशिया की रीजन में 165 फीसद बढ़ी। वियतनाम लोगों को बड़ा याद आता है कोरोना में वियतनाम की एक्सपोर्ट्स पांच फीसद बढ़ी है पाकिस्तान की 55 फीसद बात करते फाइनेंसेस की जनाब स्पीकर आपकी जो क्रांत चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप 77 नंबर पर दुनिया में थे 2008 में 2018 में 147 पे आप आ गए 76 पोजीशंस आपने लूज की हैं 10 साल में स्टील मिल की बात करते हैं जनाब स्पीकर एम्बिशन की बात करते हैं कि जी आप बजट कैसे पूरा करेंगे रेवेन्यू कैसे कमाएंगे मैं इनसे ये पूछ सकती हूँ कि हम तो एम्बिश है ना हमारे ये गुना है कि हम ऊपर देख रहे हैं आपने तो माशाला दो से नौ में आपको स्टील मिल मिला था 28 अरब सरप्लस पे आप उसको 46 बिलियन लॉस पे ले गए एक साल में आपके तो रेवर्स एम्बिशन है आपको तो माशाल्लाह मुल्क तबाह करने का आपको एम्बिशन था जनाब स्पीकर जब बात करें मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपोजिशन से हम आपकी हर बात सुनते हैं हमने अपनी सलाह करनी है लेकिन फैक्ट्स पे बात करें हकायक पे बात करें कहानियां नहीं जनाब स्पीकर टैक्सेशन की बात करते कि जी आप लोग हमसे ज्यादा कर्जा लिया आपको पता जनाब स्पीकर हमने क्यों कर्जा लिया पाकिस्तान ने इस साल इनकी टू पॉइंट सेवन ट्रिलियन कर्जे की अदायगी की है और किस कर्जे की जिसका कुछ नजर नहीं आता रोड बनाए कहां बनाए क्या किया तो पीटीआई थी बी एपी थी बी एन पी थी मुझे यह बताया जनाब स्पीकर कि इस खित, हाँ बिजली बनाए बिजली के प्रोजेक्ट लगाए दुनिया की सबसे बिजली महंगी इस वक्त पाकिस्तान में इस खिते में इस खत्ते में छ रुपए यूनिट है बिजली और यहाँ पे सोलह रुपए यूनिट ये हमने किया जब क्रेडिट लेते हैं तो सच भी तो बताए नहीं कि कर्जे आपने कहां पे लगाए हैं हमें तो नहीं नजर आती कामयाबी अपने हल्के में आपने लगाए होंगे ऐसे ऐसे मोटरवे बने हैं कि शुरू होते हैं कहां से और मेरे घर आके लग जाते हैं ये मोटरवे ऐसे बनता है जनाब स्पीकर बात करनी बहुत आसान होती है लेकिन अगर उसमें सच्चाई बयाना शुरू करें फिर हमसे गिला होता है कि जी ये अपोजिशन और ये कंटेनर से नहीं उतरते कंटेनर की मैं अगर एक बात यह करूं आज एक अपनी हुकूमत की क्रिटिस करूं जनाब स्पीकर इस वक्त साढ़े छह हजार से ज्यादा अफगानिस्तान का कंटेनर खड़ा हुआ है कराची में और अफगान गवर्नमेंट हमसे नाराज है इस अवान की तवसत से आपसे जितने आज फाइनेंस के लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली जो आपका खुला अदून मुबीन दुश्मन था मोदी का इंडिया बचर ऑफ गुजरात उसको तो आप शादी पे बुलाते थे और वेस्टर्न बॉर्डर का आपने एक दफा नहीं पूछा कि आपके एक्सपोर्ट जीरो परसेंट ग्रोथ हुई है पांच साल में आप जरा अफगानिस्तान पे ध्यान देते ईरान पे ध्यान देते ये हाल आज आपका ना होता जिनाब स्पीकर एंड में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि यह डिस्पोंडेंट और डिप्रेस लोगों का पाकिस्तान नहीं है जब पाकिस्तान बना था तो कैद आजम की मुखालफ तमाम दुनिया ने की इनक्लूडिंग हमारी जो रिलीजस जुमाते थी उन पर फतवे पे, फत्वे पे फत्वे आए कि एक काफिर है ये पाकिस्तान बना रहा है ये पैन इस्लामिज्म को बर्बाद कर रहा है इसी तरह हमारे वजीर आजम पे जो उनके फतवे आते हैं ना उसका कोई फायदा नहीं है इनशाला नया पाकिस्तान बन के रहेगा पैंडेमिक से हम निकलेंगे रिजिलियंट पाकिस्तान है कामयाब होके दिखाएंगे इनशाला कोशिश होगी कि ऑपोजिशन को साथ लेके लेकिन इनको भी कदम लेना होगा हमारे साथ शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी जनाब